तो गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं जिम के लिए रेडी हो गया हूँ और ये देखो बैग डाल के जा रहा हूँ मैं। एंड वैसे तो मोस्टली मैं बाइक से जाता हूँ लेकिन आज कार से जा रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन में इतनी सर्दी बढ़ गई है ना, इतनी सर्दी बढ़ गई है सच मानेगा। मैं एक इनर, एक टी शर्ट और 3-3 अपर पहन के जाता था बाइक में, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी। तो मैं आज कार से जा रहा हूँ, तो चलो अपने दिन की शुरुआत की जर्नी स्टार्ट करते हैं। माइनस, क्योंकि माइनस में जो माइनस पार्किंग है वहां पर अपनी कार खड़ी है। ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? बैठ गया पीछे। तो चलो अब निकलते हैं जिम के लिए और आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। और यार चेहरा कैसा लग रहा है यार, बिल्कुल अभी मतलब उठ के एकदम जल्दी जल्दी तैयार होकर आया ना, तो नींद भी पूरी नहीं होती सुबह सुबह। तो चलो चलते हैं। अच्छा, कार में अपने ही आराम है, मतलब अभी 2 अपर पहना हूँ और 1 टी शर्ट पहनी है और मतलब गर्मी, उल्टा गर्मी और लगने लग रही है। सही है यार, कार वालों के लिए ना बरसात है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, कुछ नहीं है, बढ़िया है। और बाइक में तो इतने कपड़े पहनने के बाद भी ऐसी हालत हो जाती है ना भाई, बिल्कुल कुल्फी जम जाती है और इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। उल्टा ये समझिए कि थोड़ी सी गर्मी सी और लग रही है मेरे को अभी। आ गए अपनी जिम पर, बैग निकाल लेते हैं। नीचे अपनी जिम, बस एंट्री थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है लेकिन अंदर बड़ी जिम है। ये हमारे सर है, ये कंटिन्यू आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हैं सर्दी गर्मी बरसात हो, सर कंटिन्यू आते हैं ना। एब्सेंट क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ सर। ये सर भी डेली आते हैं बट ये कभी कभी बंक मार देते हैं, लेकिन हाँ फिर दोपहर में आ जाते हैं। हाँ दीपक भाई कुछ कहना है? अच्छा हेलो कहना है। ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? वाह क्या सीन है। हाँ आकाश भाई आज उदास उदास क्यों हो? इस जिम में सबसे एनर्जेटिक हंसी मजाक वाले बंदे तो तुम ही, और तुम ही आलस मतलब दिखा रहे हो। किसी ने दिल तो नहीं तोड़ दिया है? नहीं, किसी का दम नहीं। क्या नाम? डोरीमोन है? डोरीमोन क्या? सॉरी नोबिता, नोबिता, नोबिता के मैसेज नहीं आ रहे क्या आजकल है? रहने तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मारेगा मेरे को। और ये हमारे बबलू भाई पूरा जिम संभालते हैं। ओ भाई एक नंबर। ये क्या पी रहे हो? गेनर सर। गेनर। और ये हमारे जिम के दूसरे ट्रेनर सर। तो बता रहा हूँ मैं। तुम कैसे डले हो नीचे? मजदूर आदमी। बात तो सही है। है क्या बात है लांडे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये। कोई सेंसेंस बात की? सही है सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे क्यों मजे ले रहे हो? अरे अंकित भाई तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं यार, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। मैंने मॉर्निंग में हेलो दोस्तों बोला है। हेलो 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 क्या है भाई? हाँ बॉडी कांस्टेंट रखना है, हल्का सा ऊपर उठा अपर बॉडी को। हाँ बस 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 बस
हाँ ठीक है भाई, इधर आओ। अच्छा मैं ट्रेनर कैसा हूँ एज ए ट्रेनर? हाँ सुन नहीं पाए लोगों ने, मैंने भी नहीं सुन पाया। खूबसूरत अद्भुत, ओह माय गॉड, जिसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग। ऐसे तो नहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये ज्यादा हो गया। ये है विक्रांत भाई, काफी अच्छा जुम्बा कराते हैं, लिटरली काफी अच्छा जुम्बा कराते हैं। मैं जनरली ऐसे किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन भाई की मैं तारीफ करता हूँ। क्या ये सोम्या है? अरे अरे अरे, अच्छा मतलब सही है यार। अरे मुझे भी ऐसे सीखना है क्या, कि मतलब जैसे ही मतलब उस पर आओ ना, जैसे कोई कैमरा वगैरह हो तो एकदम स्मार्ट से बन जाओ। वैसे भले आपने लग रहे हो स्मार्ट, गजब बेइज्जती है, लेकिन ऐसे पोज देने लोगों। ओ मर गए, ओ मर गए, मर गए। घमंड देखो, इतनी शानदार बॉडी लेके भी घमंड नहीं है भाई सामने वाले बंदे को। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी डाउन टू अर्थ बंदा है। हाँ क्या कह रहे हैं? इनको देखना और छोटू को देखना इनके। हाँ छोटू भाई, छोटू ये है, छोटू देखना ये भाई बोल रहे हैं इनको छोटू। छोटू ना है वो। अभी मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है एंड अभी मैंने प्री वर्कआउट किया भाई, आग लग रही पूरी बॉडी में भयंकर। तो चलो वर्कआउट फिनिश करता हूँ। We'll be right back.
फैजान भाई मैं कैसा ट्रेनर हूँ? नहीं 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 मतलब फैजान भाई आओ मतलब बी फ्रैंक मतलब कोई वो नहीं है कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो आप बन के बोलो जो भी है। जो आप हो मैं वैसे बताऊं क्या आपका व्यू टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके और ऐसा नहीं कि जा रहे हो? चलो ये हमारे पार्टनर का टाइम हो गया तो ये जा रहे हैं, अभी मैं जाऊंगा 15-20 मिनट बाद। ओके बाय। तो यहाँ पर मेरा जिम का टाइम हो गया पूरा एंड मेरा वर्कआउट भी फिनिश हो चुका है, अब मेरा टाइम है प्रोटीन पीने का। प्रोटीन तो यहाँ पर अपना वर्कआउट भी ख़त्म एंड प्रोटीन भी मैंने पी लिया है और अब टाइम हो गया घर जाने का। तो ये था अपना पूरा आज का व्लॉग पूरा मॉर्निंग से लेके, और जो मेरा जॉब का टाइमिंग है वो भी मैंने आपको दिखाया एंड वर्कआउट की छोटी छोटी क्लिप डाली मैंने, क्योंकि अगर मैं पूरी डालता कि भाई पूरा ये वर्कआउट किया तो ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। जिम से आने के बाद मैंने दो काम और किए, एक था मेरा बैंक में काम तो वो तो जल्दी हो गया था, बट जो नेक्सा का सर्विस सेंटर है ना तो वहाँ पर मैं गया था। एक्चुअली बात ये थी कि इसके फॉग लैम्प नहीं जल रहे थे और जो पार्किंग सेंसर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो जो फॉग लैम्प था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और लास्ट में ना जो फॉल्ट निकला इतना छोटा निकला भाई कि मैं बता नहीं सकता। वो एक तार टूट गई थी तो उसकी वजह से मेरे फॉग लैम्प नहीं जल रहे थे कार के, ठीक है, तो उस भाई ने यार बहुत मेहनत की इधर उधर, क्या नाम, जो रिले वगैरह जो भी इनके होते होंगे गाड़ी के, जो टेक्निकली जो भी होते होंगे इक्विपमेंट जो भी भगवान जाने, तो जो रिले वगैरह होती है जो और भी कनेक्शन थे वो सारे चेक कर लिए भाई, उसको नहीं मिला, बहुत देर तक लगा रहा, बाद में उसे पता चला एक तार टूटी है तो इसलिए फॉग लैम्प नहीं जल रहे थे, फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड जो पार्किंग सेंसर था तो एक पार्किंग चार लगे थे पीछे तो एक सेंसर ख़राब था तो उसको उसने चेंज किया है। तो जिम से निकलने के बाद फिर मैंने ये दो काम भी करा लिए एंड अब मैं जा रहा हूँ घर, तो चलो घर पहुँचकर फिर। तो हम पहुँच चुके हैं घर पर एंड ये निकाला बैग अपना, चलो फिर ऊपर चलते हैं। हाँ भाई किदा पहुँच चुके हैं घर पर एंड अब मुझे नहाने जाना है एंड नहाने के बाद फिर मैं करूँगा लंच। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।